भारत नेपाल का जो सीमा विवाद है वो एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि नेपाल में चुनाव होने वाले हैं। जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है, उन्होंने एक बार फिर से भारत पर निशाना साधा और जो भारत का भूभाग है कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, उसको अपना हिस्सा बताया है। शुक्रवार 4 नवंबर को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो धारचुला है, नेपाल वाला धारचुला, वहाँ पर अपने जो सांसद प्रत्याशी और विधायक प्रत्याशी है उनके समर्थन में जो चुनाव सभा को, जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए केपी शर्मा ओली ने कहा कि 20 नवंबर 2022 को होने वाले संसदीय चुनाव में अगर उनकी पार्टी जीतती है या उनके पार्टी को बहुमत मिलता है तो देश के उन हिस्सों पर दोबारा से दावा किया जाएगा जिन्हें भारत अपना बताता है। केपी शर्मा ओली ने आगे कहा कि कालापानी, लिपुलेख व जो लिम्पियाधुरा है वो नेपाल की जमीन है जिसमें भारत ने अतिक्रमण कर रखा है। हम भारत से अपनी अतिक्रमित जमीन वापस लेंगे। हम आज फिर से इसकी गारंटी देना चाहते हैं कि राष्ट्रीयता के सवाल पर अपनी एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। ये जो शब्द हैं ये हैं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के। उन्होंने आगे कहा कि हम पहले ही संसद में उक्त भूभाग को नेपाल के जो राजनीतिक नक्शा है उसमें शामिल कर चुके हैं। साथ ही नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है, उन्होंने कहा कि भारत द्वारा अनावश्यक रूप से तवाघाट लिपुलेख जो मोटर मार्ग है उसे हमारी भूमि पर बनाया जा रहा है, जबकि स्वयं हम बना सकते थे। राष्ट्रीयता को प्रश्न में नेपाल ले आफ्नो एक इंच जमीन पनि कसैलाई छोड्ने वाला छैन, एक इंच जमीन पनि मिचिन दिने वाला छैन। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी सहितको हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउनेछौं। 60 वर्ष भयो हामीले यो भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख गुमाएको, अब फिर्ता हुनुपर्दछ। फिर केपी शर्मा ओली ने जनसभा को संबोधित करते हुए इस बात को दोहराया कि हमने सरकार में आते ही जो कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा है उसको वापस लाएंगे जिसे भारत अपनी जमीन बताता है। चलिए जानते हैं कि ये जो पूरा विवाद है आखिर क्यों ऐसा विवाद हो रहा है, क्यों ये भारत नेपाल के जो रिश्ते हैं उनमें खटास आ रही है एक सीमा विवाद को लेकर। क्या है ये सीमा विवाद को लेकर? यदि आप मानचित्र देखेंगे तो नेपाल भारत की 3 दिशा, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा से घिरा हुआ है। भारत नेपाल और चीन सीमा से लगे इस इलाके में हिमालय की नदियों से मिली एक घाटी है जिसे हम लिपुलेख कहते हैं, जो भारत में बहने वाली काली गंगा या महाकाली या शारदा नदी का उद्गम स्थल है। इस इलाके को काला पानी भी कहते हैं। इसी इलाके में जो लिपुलेख दर्रा है वो भी है। यहाँ से उत्तर पश्चिम की तरफ कुछ दूरी पर एक और दर्रा है जिसे लिम्पियाधुरा दर्रा कहते हैं। भारत पूर्वी धारा को काली नदी का उद्गम स्थल मानता है, वहीं नेपाल पश्चिम धारा को जो काली गंगा है उसका उद्गम स्थल मानता है, और इसी आधार पर दोनों देश कालापानी के इलाके पर अपना अपना दावा करते हैं। त्रिकोण के आकार में यह इलाका 338 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। नेपाल की जो पश्चिम सीमा है जो उत्तराखंड से लगा हुआ है उसका जो निर्धारण हुआ है वो काली नदी से हुआ है, मतलब कि जो काली नदी का पश्चिम इलाका है वो भारत का है। नेपाल के अनुसार काली नदी के पूर्व की शुरुआत नदी के उद्गम स्थल से होनी चाहिए। उसके अनुसार नदी का उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा के पास पहाड़ों में है। नेपाल का दावा है कि जब काली नदी है वो लिम्पियाधुरा से शुरू होती तो उसके नीचे का पूरा इलाका उसका है। लिम्पियाधुरा के नीचे के इलाके में लिपुलेख और काला पानी आते हैं, यानी कि नेपाल इन तीनों पर अपना दावा ठोकता है। दूसरी ओर भारत का कहना है कि नदी का जो उद्गम स्थल है वो काला पानी गाँव से शुरू होता है जो कि उत्तराखंड में है, यानी कि भारत में है। ऐसे में सीमा कालापानी से शुरू होती है, मतलब कालापानी और उसके पश्चिम हिस्से लिम्पियाधुरा और लिपुलेख इसके इलाके में है। भारत का तर्क अंग्रेजों द्वारा नेपाल से 1816 की जो संधि है उसके आधार पर है। ये जो भूभाग है कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का जो ये भाग है ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से मानसरोवर की यात्रा भी होती है। तो ये जो भाग है ये सिर्फ मानसरोवर यात्रा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो चीन सीमा है वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी जो ये हिस्सा है ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी नीरज सिंह ने। मेरा नाम है शोभम सत्य सिंह नेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।